गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन AVM ऑनलाइन क्लासेस. एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस योर क्वेश्चन पेपर कि दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर आर यू गोइंग टू गेट इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सिलेबस डिडक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू यू कि जो चैप्टर्स जो पोएम्स जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस से डिडक्ट किए गए हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी गई है. और जैसा कि आपको पहले बताया था कि आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर के सिलेबस को लेकर के एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए. एंड विद दैट वीडियो आई एम हियर टुडे. और जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड 184 क्लास 10th फॉर 2020-21. तो यहाँ ये आपको सेक्शन वाइज जो है वेटेज दी गई है कि हम अपने काम को कितने पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हमारी वर्किंग स्टाइल क्या कुछ होनी चाहिए, किस तरह से हम अपने काम के ऊपर फोकस करें. 3 सेक्शंस में आपका पेपर है. रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर कंबाइंड है. लिटरेचर आपका 3rd सेक्शन है जिसके लिए आपके पास 2 बुक्स हैं. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पीरियड्स यहाँ लिखे हुए हैं. हम बात करेंगे कि पार्ट ए में जो रीडिंग सेक्शन है वहाँ आपको क्या मिलेगा, क्या कुछ आप वहाँ करने वाले हैं. जो रीडिंग सेक्शन है वो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है. यहाँ आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और दोनों ही क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज के ऊपर बेस्ड होंगे. देखिए पहले क्या होता था, अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन में स्टूडेंट्स आर सपोज टू राइट डाउन द आंसर्स, बट दिस टाइम यू आर गोइंग टू गेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 टू 450 वर्ड्स टू टेस्ट इन्फरेंस इवेल्युएशन एंड वोकैबुलरी. 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड. आपके पास 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उस अनसीन पैसेज के बेस पर, जिसमें से आपको 10 करने हैं. ऑल आर मल्टीपल टाइप. इसी सेक्शन में पार्ट ए में रीडिंग सेक्शन का ही 2nd क्वेश्चन जो है वो भी आपका किसके ऊपर बेस्ड होगा, एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज के ऊपर. ठीक है, जिसके अंदर जो है कोई विजुअल इनपुट हो सकती है, स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है इंक्लूड की जा सकती हैं. और इसके लिए जो वर्ड लिमिट रखी गई है बोर्ड के द्वारा दैट इज 300 to 350. एंड अगेन यू आर गोइंग टू गेट 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. एक बार फिर से आपको इस क्वेश्चन में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 होंगे, आपको 10 करने हैं. तो टोटल आपके पास इस पार्ट में जो है जो आपका अनसीन पैसेज से रिलेटेड होता है वो आपका 20 नंबर का काम है, जहाँ पहले हमें आंसर लिखने पड़ते थे वहाँ अब हमें सिर्फ करेक्ट आंसर को चूज करना है. तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि द वर्क हैज़ बीन मेड द ईजीएस्ट वन. बेहद आसान कर दिया गया है काम. ज़रूरत है थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पैसेज को लेकर के, रीडिंग स्किल्स को लेकर के. फाइनली यू विल बी एबल टू डू इट. बिना किसी परेशानी के आप कर लेंगे. और जब हम इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी सारी, तो अल्टीमेटली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ना कर पाएं. इसके बाद इसी पार्ट में आपकी जो लिटरेचर की टेक्स्ट बुक है 10 नंबर का, उसमें से एक क्वेश्चन है. और वो किस तरह से है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा प्रोज टू टेस्ट इन्फेरेंस इवेल्युएशन एंड वोकैबुलरी. एनी वन आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन. कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है जिसमें आपके पास ड्रामा प्रोज स्टोरी फिक्शन जो भी है उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे 2, और उन 2 में से एक आपको करना है. और अगेन यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप. 5 नंबर का काम है ये. इसी में लिटरेचर टेक्स्ट बुक वाले में ही एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, एंड दैट इज एन एक्सट्रैक्ट और स्टेंजा फ्रॉम पोइट्री. कि पोइट्री में से आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा 3, 4, 5 लाइन का, जो भी जिस तरह से जहाँ से जैसे बनता है. ठीक है, 2 स्टेंजाज होंगे
आपके पास इंटरनल चॉइस होगी, वन यू विल हैव टू डू, एक आपको करना है। और क्वेश्चंस फिर से वही कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ये 5 नंबर का काम है ये। तो इस तरह से आपका जो पार्ट ए है, जो फर्स्ट पार्ट है, और जो पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड है, वो आपका कितने का हो गया, 20 मार्क्स अनसीन पैसेज के लिए, 2 अनसीन पैसेज हैं। उसके बाद 10 नंबर आपके लिटरेचर के लिए, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन, 1 आपके प्रोज में से, 1 आपके पोइट्री में से, ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके। और ये 30 मार्क्स का काम है, टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपकी बुक ग्रामर में से है, ग्रामर के टॉपिक्स को इंक्लूड करके जो तैयार किया जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यहां भी आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे और चॉइस होगी आपके पास, आपको 10 ही करने हैं, 10 नंबर का काम है ये। ये भी आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड है, और इसमें ग्रामर में आपके जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं, जो चीज़ें अब आपको करनी हैं, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं हम इसे, रिपोर्टेड स्पीच आपकी रिलेटेड टू कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, इन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। डिटरमिनर्स, इसके अलावा दूसरे जो आपके ग्रामर के टॉपिक्स थे जो डिलीट हो चुके हैं, आपसे वॉइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्लॉजेज को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं होगा, प्रीपोजिशंस को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये टॉपिक्स नहीं हैं आपके सिलेबस में। तो यानी कि जो ग्रामर वाला काम है वो भी आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होने वाला है, थोड़े से प्रयास में आप बेहद अच्छा कर सकते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कैन बी देयर फ्रॉम योर साइड इफ यू पुट अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क विद ऑनेस्टी। तो ये जो आपका पार्ट ए है, पार्ट ए में देखिए हमारे पास पहले जो सेक्शन ए जिसे कहा जाता था और जिसमें रीडिंग स्किल्स को ही टेस्ट किया जाता था, वहाँ आपके पास अनसीन पैसेज के 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस आपके पास लिटरेचर से हैं और 1 क्वेश्चन आपके पास ग्रामर पार्ट से है। तो ये टोटल जो है आपके पास 40 मार्क्स का काम हो गया, 20 + 10 + 10, तो आउट ऑफ 80 आपका जो आधा पेपर है, 50% जो है वो आपका टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। तो काम को किस तरह से आसान बना दिया गया है, पेपर को किस तरह से आसान बना दिया गया है, वो आपके सामने है, आप समझें उस चीज़ को। इसके बाद आ जाइए आप पार्ट बी, जिसे नाम दिया जा रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव पार्ट। ये आपका 40 मार्क्स का है। यहाँ सबसे पहले आपके पास राइटिंग सेक्शन, और राइटिंग सेक्शन में हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं, 2 ही टॉपिक्स हैं, आपको पता है। एक हमने पैराग्राफ लिखना है, आर्टिकल, रिपोर्ट, इस तरह की जो चीज़ें हैं। दूसरा है फॉर्मल लेटर्स। और देखिए इसको लेकर के मैंने आपको एक जहां लेटर फॉर्मेट का जो एक वीडियो आपके लिए पोस्ट किया था, आपको एक लेटर फॉर्मेट वगैरह जहां समझाया गया था, चीज़ें बताई गई थी उस वीडियो में, उस समय जो है सिलेबस आपका डिडक्ट नहीं हुआ था, हमारे पास रिवाइज्ड पेपर स्टाइल नहीं था, वहां मैंने आपको बताया था कि दोनों ही क्वेश्चन आपके पास 10-10 नंबर के हैं। लेकिन अब जैसा कि आप नए सिलेबस में देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके 5-5 नंबर के कर दिए गए हैं, यानी कि टोटल जो 20 नंबर का काम था उसे 10 नंबर का कर दिया गया है। और यहाँ राइटिंग सेक्शन में नंबर कम करने का मतलब है कि इसको बच्चों के लिए और बेहद आसान बना दिया गया। अदरवाइज़ देखिए हम 5-5 नंबर के लेटर या कोई पैराग्राफ जो हैं 5th और 6th स्टैंडर्ड में लिखते हैं, 7th में भी नहीं लिखते, वहाँ भी 6-7 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो कहाँ तो एक तरफ आपको जो है 10 नंबर का क्वेश्चन करना था, और कहाँ अब आपको 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वर्ड लिमिट वो भी कम हो गई है,
जहाँ मैंने आपको लेटर के लिए जो वर्ड लिमिट की बात की थी कि आपकी वर्ड लिमिट जो है वो 120 टू 150 होनी चाहिए, दैट हैज़ बीन रिड्यूस टू 100 टू 120 वर्ड्स एंड सेम इज़ देयर विद पैराग्राफ राइटिंग, 100 टू 120 वर्ड्स। तो राइटिंग सेक्शन जो है वो भी बेहद आसान है, छोटे बच्चों जैसे क्वेश्चन कर दिए गए हैं। तो लेटर राइटिंग जो है वो हम कर चुके हैं, काफ़ी लेटर किए हैं, सभी की प्रैक्टिस करें आप, पढ़ें, और उनमें फिर हम किस तरह से उसकी वर्ड लिमिट को रिड्यूस करेंगे, कैसे क्या कुछ रहेगा, फॉर्मेट एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। वर्ड लिमिट कहाँ कौन सी चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे रिविज़न के समय। हमारा लेटर राइटिंग जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, पैराग्राफ राइटिंग और इस पार्ट को हम बाद में करेंगे। तो ये आपका केवल मात्र 10 नंबर का काम है, जो कि बेहद मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान बनाया गया है पेपर को इस तरीके से। इसके बाद आ जाएं आप लिटरेचर पार्ट के ऊपर। लिटरेचर अब आपका जो है वो 30 मार्क्स का है यहाँ सब्जेक्टिव में, और इस बात का ध्यान रखें आप पूरी तरह से, 10 नंबर आपके पास पार्ट वन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में आ चुके हैं, 30 नंबर का सब्जेक्टिव पार्ट है। इट मींस कि आपकी टेक्स्ट बुक की वेटेज 50% है, 40 नंबर आपकी टेक्स्ट बुक्स के हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक एक लाइन को, एक एक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ें। स्कोरिंग करना बेहद आसान काम है। यहाँ जो आपके पास क्वेश्चन होगा इसमें सब्जेक्टिव में, जिसे क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके पास राइटिंग सेक्शन में हो गए हैं, 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको करने हैं। यहाँ आपको दोनों ही बुक में से फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फर्स्ट फ्लाइट में से, 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 20 to 30 वर्ड्स लिमिट रहेगी इसकी आपकी। आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 6 में से, दोनों बुक में से 3-3 क्वेश्चन होंगे, 2-2 क्वेश्चन आपको दोनों बुक से अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, एंड 4 into 2 8 मार्क्स का पार्ट है ये, 8 नंबर का काम है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। यहाँ आपकी वर्ड लिमिट जो है वो 40 टू 50 वर्ड्स होगी, जो ऊपर 2 नंबर वाला क्वेश्चन किया है उससे थोड़ी ही ज़्यादा वर्ड लिमिट है इसमें आपके लिए, ठीक है। यहाँ भी आपके पास 3 क्वेश्चन एक बुक से और 3 क्वेश्चन आपके पास दूसरी बुक से होंगे, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से आपको 4 करने हैं, 2 एक बुक के, 2 दूसरी बुक के। ऐसा नहीं है कि आप 3 एक बुक के अटैम्प्ट कर दें और एक क्वेश्चन दूसरी बुक से अटैम्प्ट करें, दोनों ही बुक्स में से 2-2 क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करेंगे, और यहाँ जो एक क्वेश्चन के लिए आपकी मार्किंग है दैट इज़ ऑफ 3, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और इसीलिए वर्ड लिमिट आपकी यहाँ 20 to 30 से बढ़ा करके 40 to 50 कर दी गई है। तो ये हम साथ के साथ जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अपने कर रहे हैं, जो भी हम लिटरेचर के चैप्टर्स कर रहे हैं अभी तक हमने सभी में किए हैं, तो इस चीज़ का भी आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विद इंटरनल चॉइस, यहाँ आपके पास 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए होंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक में से, जिसका आंसर आपको देना है नियर अबाउट 100 to 120 वर्ड्स में, ठीक है। ये थीम हो सकती है, मैसेज को लेकर के हो सकता है, कैरेक्टर स्केच को लेकर के हो सकता है, जो भी जिस तरह से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं उसके बेस पर 5 नंबर का काम रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट बुक में से होगा आपका, 2 होंगे, 2 में से एक आपको अटेम्प्ट करना है। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और बुक रहेगी आपकी सप्लीमेंट्री रीडर जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फेट। यहाँ भी आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है विद द सेम वर्ड लिमिट दैट इज 100 to 120 वर्ड्स, और अगेन इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये। तो ये है आपका पेपर स्टाइल जिसके ऊपर आप ध्यान देंगे और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। हमारी लिटरेचर की बुक जो टेक्स्ट बुक है 50% वेटेज है आपके पेपर में,
इसके ऊपर आप अच्छे से हार्ड वर्क करें, चैप्टर्स को पढ़ें, समझें, एडिशनल क्वेश्चंस भी जितने मैक्सिमम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चंस लिखवा दिए, अगर हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो वी मस्ट बी एबल टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टेक्स्ट, ऐसी पोजिशन में आप होने चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। 20 मार्क्स आपके किस चीज़ के लिए हैं? रीडिंग स्किल्स को चेक करने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि टोटली एक प्रैक्टिस का मैटर है, नथिंग एल्स इज देयर। 10 नंबर की आपकी ग्रामर है, 10 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन है, तो इसलिए आप अपना मेन फोकस अपनी टेक्स्ट बुक्स के ऊपर रखें, याद करने के ऊपर, लर्निंग के ऊपर आप ध्यान दें, जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं उनको पढ़ें, याद करें, और एक बार फिर से अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने डिलीटेड चैप्टर्स को और देख लीजिए, ताकि कहीं किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको। आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से जो आपके टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, ये तीनों आपकी पोयम है, ये पोइट्री सेक्शन से है, और एनी ग्रेगरी ये भी आपकी पोयम है, मिजबिल द ऑटर ये आपका चैप्टर है जो डिलीट किया गया है। सेकंड बुक पर आ जाएं आप, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री रीडर भी जिसे कहा जाता है, यहाँ आपके पास तीन चैप्टर्स को डिलीट किया गया है, द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये बुक आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसमें से इन तीन चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। तो ये चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो ये है आपका पेपर स्टाइल, ये है आपका सिलेबस, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको अपने अलग अलग पार्ट की, सेक्शन की वेटेज पता होगी कि किस तरह से हमें कहाँ किसके ऊपर हमें कितना समय देने की ज़रूरत है, कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि स्कोरिंग जो है वो बेहद आसान बना दी गई है, पेपर में फुल मार्क्स लेना मुश्किल काम नहीं रहा बिल्कुल भी, आप मेहनत करें, और फिर भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछें, डिस्कस करें। थैंक्स अ लॉट।